Hello everybody, good morning. Okay, so in last lecture what we studied was the effect, the magnitude of 10 dq value depends on the following factors. Usme humne dekha tha nature of ligand, oxidation state of the central metal ion, principal quantum number of d electrons and stereochemistry of the complex. उसमें फर्स्ट जो था नेचर ऑफ लिगेंड्स वो हम पढ़ रहे थे. उसमें हमने देखा था कि जो किलेट होता है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कॉम्प्लेक्स के मुकाबले ज्यादा होती है. ओके, सो वो पॉइंट हमने कवर कर लिया था. देन वी सॉ एम्बिडेंट लिगेंड्स. एम्बिडेंट लिगेंड भी हमने कवर कर लिया था कि एक लिगेंड होता है उसकी दो साइड अगर होती है उसमें से हमें पता चलता है कि किस साइड से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करता है. और ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं जो दोनों साइड से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं उसको बोलते हैं हम एम्बिडेंट लिगेंड्स. ओके, सो अभी नेचर ऑफ लिगेंड में थोड़ा जो लास्ट टू पॉइंट्स बाकी थे वो पढ़ लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और आगे के जो फैक्टर्स है उसको देखेंगे. ओके, सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड इंक्रीजेस द 10 dq और द स्प्लिटिंग एनर्जी. While if the ligand to metal pi bond is there, अगर पहले तो क्या होता है कि जब हमारा d orbital है वो split होता है t2g and eg. तो ये जो higher energy orbitals बने t2g होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है. और pi बॉन्डिंग में क्या रहता है, ईजी है वो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्ट लेता है. और जो T2G जो हमारा बचा है जिसमें हमने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स से वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, आगे जो मैंने बोला उल्टा बोलना था, दैट्स अ मिस्टेक. ईजी है जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं वो हायर ऑर्बिटल्स हैं, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते होंगे. और जो बाकी रह गए T2G वाले वो क्या होते हैं, पाई बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं. अब इसमें क्या बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज इज द 10 dq वैल्यू. अगर जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, जैसे कि हमने देखा था CO, CN वो सब क्या करते हैं, उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. अब बात क्या आती है पाई बॉन्ड के रिलेटेड. लिगेंड और मेटल में जब पाई बॉन्डिंग होता है तो लिगेंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द लिगेंड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन T2G ऑर्बिटल. पहले क्या बोले कि जो लिगेंड की पाई ऑर्बिटल होती है वो T2G से कम एनर्जी वाली होती है. दैट मीन्स मैं कह दूं कि ये लिगेंड की पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और यहाँ पे T2G है, ऐसे स्प्लिटेड T2G है अपना, ये EG है. ओके, सो ये क्या बोल रहे थे हम लिगेंड की बात कर, कि अगर लिगेंड के पास जो पाई बॉन्ड वाली ऑर्बिटल है वो लोअर इन एनर्जी है और ये T2G ऑर्बिटल है ये क्या हो गया, हायर इन एनर्जी है समोट और ये लोअर इन एनर्जी है. तो क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड को नहीं दे सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो बॉन्डिंग हो जाएगी पर यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग होती नहीं है. और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जो लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो T2G के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें थोड़ा रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से ये जो जिस यहाँ पे जो एनर्जी है उससे वो थोड़ा ऊपर की एनर्जी लेवल पे चली जाएगी, कौन, T2G. और इसकी वजह से क्या होगा, ऐसा हो जाएगा अगर यहाँ पे है ये T2G में बताऊं, अब थोड़ी ऊपर चली गई तो यहाँ पे आ गई, कैन यू सी, ये है T2G, अब थोड़ी ऊपर चली गई. क्यों, क्योंकि रिपल्शन हो गया, बैरी सेंटर से ऊपर नहीं चली जाएगी, ये बैरी सेंटर है उसके तो नीचे ही रहेगी, पर क्या होगा थोड़ी ऊपर चली जाएगी. तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये जो गैप है स्प्लिटिंग एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो यही ये बता रहे हैं कि लिगेंड्स पाई ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन T2G ऑर्बिटल्स एंड T2G ऑर्बिटल गेट्स डिस्टेबिलाइज एंड एज अ रिजल्ट द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द 10 dq वैल्यू डिक्रीज, ये जो वैल्यू है वो कम हो गई. Such type of ligands are found as the earlier member of the spectrochemical series. और ये सब कौन से होते हैं, अर्लियर मेंबर, जो आगे के मेंबर्स है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कल हमने देखी थी उसके आगे के मेंबर्स, जैसे कि IBR वैसे मेंबर्स जो होते हैं उसमें ये कंडीशन फॉलो होती है. अब नेक्स्ट क्या है, बी कंडीशन क्या है,
कि लिगेंड की पाई ऑर्बिटल, लिगेंड पाई ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन टी टू जी ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा कि लिगेंड के पास जो ऑर्बिटल होगी वो हायर इन एनर्जी होगी टी टू जी से थोड़ा। देन इट्स ओवरलैप विद टी टू जी ऑर्बिटल्स स्टेबिलाइजेज द टी टू जी ऑर्बिटल। इसकी वजह से क्या होगा कि लिगेंड की पाई ऑर्बिटल और टी टू जी की पाई ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप अच्छी तरह से कर पाएंगे, और अच्छी तरह से अगर ओवरलैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन है, आपकी बुक में डिस्टेबिलाइज लिखा हुआ है, डिस्टेबिलाइज नहीं होता है, स्टेबिलाइज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये ई जी है, ये टी टू जी है हमारे पास, देन ये जो होगा ओवरलैप हो जाएगा और इसकी एनर्जी स्टेबल होके नीचे आ जाएगी। किसकी, पाई ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड एंड टी टू जी, ये स्टेबिलाइज ऑर्बिटल है। और अगर ये स्टेबिलाइज होते हैं तो इसकी एनर्जी कम होती है, और अगर एनर्जी कम होती है तो ये डी क्यू वैल्यू कैसी होगी, 10 डी क्यू वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, देख सकते हो आप 10 डी क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो ये बताना चाहते हैं कि देन इट्स ओवरलैप विद टी टू जी ऑर्बिटल स्टेबिलाइजेज द टी टू जी ऑर्बिटल एंड हेंस इंक्रीजेज द 10 डी क्यू वैल्यू, ये स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गई। एंड सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर फाउंड एज द लेटर मेंबर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ऐसे मेंबर्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, पीछे की जो थी यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जैसे कि सी एन सी ओ एक्सेट्रा, इसमें दिखाई देगा। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल कैटाइन। दूसरा पॉइंट था वो क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल कैटाइन, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे बढ़ती है, क्योंकि अब जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो मेटल लिगेंड्स के पास से इलेक्ट्रॉन्स इजी ले सकते हैं। मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ले नहीं सकते, थोड़ा रिपल्शन होगा। पर अगर मेटल डेफिशिएंट है यानी कि कोई चार्ज है उसके ऊपर तो वे इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरह से ले सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर मेटल के पास ज्यादा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी वो अच्छी तरह से लिगेंड के पास से इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगा, और जितना अच्छी तरह से ले पाएगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। दैट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद द ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। 10 डी क्यू वैल्यू इंक्रीजेज एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल कैटायन इंक्रीजेस, स्प्लिटिंग एनर्जी भी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया Cr क्रोमियम एक्वा हेक्सा एक्वा 6+2+ इज लेस देन क्रोमियम हेक्सा एक्वा 6+3+। ठीक है, 2+ वाले की एनर्जी कम है, 3+ वाले की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। नाउ थर्ड इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल। तीसरा क्या फैक्टर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल। जैसे कि कोबाल्ट है, रोडियम है, इरिडियम है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3D, 4D, 5D। कोबाल्ट देखो, रोडियम देखो, इरिडियम देखो। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मियम इरिडियम, ये सीरीज दी गई है आपको। एक 3D का मेटल है, एक 4D का मेटल है, एक 5D का मेटल है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे 3D में से 4D में, 4D में से 5D में, उससे उसके हिसाब से जो हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस देन द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। देख सकते हो 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 27,000 सेंटीमीटर इनवर्स रोडियम है इसलिए, और यहाँ पे इरिडियम इसलिए 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स। एटॉमिक नंबर 27, एटॉमिक नंबर 45, एटॉमिक नंबर 77, 3D, 4D एंड 5D। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो हमने देखा आगे, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लैनर है, उस वजह से द 10 डी क्यू वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल टू स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सो डेल्टा स्क्वायर प्लैनर ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ग्रेटर देन डेल्टा टेट्राहेड्रल। और ये तो हमने देखा ही है कि डेल्टा स्क्वायर प्लैनर इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा टेट्राहेड्रल इज 0.44 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ओके,
सो ये चार फैक्टर्स है, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 10 डी क्यू वैल्यू फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, ये सब आपको क्या करना है, ये मिक्सड अप और जम्बल्ड अप कॉम्प्लेक्सेस है, उसको आपको अच्छी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी में लाइन में क्या करना है, ठीक करना है उसे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या देखना है हमें, सबसे पहले देखना है वो ज्योमेट्री देखनी है। अगर कहीं पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसको पहले रखो, फिर ऑक्टाइडल को रखो और लास्ट में टेट्राइडल को रखो। अब हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप दो देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर वाला एक कॉम्प्लेक्स है, PTCl4 वाला दिखाई दे रहा है, बाकी सब क्या है देखो 6 6 6 6 और ये 3, पर ये 3 एक्चुअली क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 × 2 दैट मीन्स 6, सब ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल यहाँ पे है ही नहीं। तो पहले क्या करेंगे, पहले ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसे रख देंगे, क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो पहले रख दिया हमें, किसको रख दिया, स्क्वायर प्लेनर को। अब ये जो ऑर्डर है वो गलत दिया हुआ है, लेस देन नहीं आता है, ग्रेटर देन होगा, PTCl4 ग्रेटर देन रोडियम। अब ये रोडियम यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि कौन सी सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, हमने देखा ना उस आगे कोबाल्ट रोडियम था और यहाँ पे इरिडियम था, तो पहले आएगी 5D फिर 4D और फिर 3D। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ता है वैसे वैसे स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ती है, इसलिए पहले आया रोडियम। अब रोडियम में क्या हुआ देखो, 1+4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है और 1+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होता तो कोई तो क्या देखना होता है, लिगेंड देखने पड़ते हैं, पर यहाँ पे लिगेंड सेम है, मेटल भी सेम है, पर जो चेंज है वो किसमें है, ऑक्सीडेशन स्टेट में। और हमने देखा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ती है, तो 4+ वाला जो है वो आगे आएगा, फिर ये ग्रेटर देन 3+। अब जो बचा है वो क्या बचा है, कोबाल्ट वाला बचा है, निकल वाला बचा है और MN वाला बचा है। थर्ड स्टेप में क्या देखना है हमें, लिगेंड देखना है। लिगेंड किसके हिसाब से देखना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखना है हमें, सिंस पहले इसका एक्सप्लेनेशन दिया है फिर आगे बताती हूँ ये कैसे सेट किया है। सिंस डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, PTCl4 हैव द लार्जेस्ट 10 डी क्यू वैल्यू। मैंने जैसे बताया कि PTCl4 के सबसे ज्यादा होगी क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसलिए, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी क्यों ज्यादा है वो मैंने आगे के लेक्चर में बताया हुआ है। नाउ RH इज अ मेंबर ऑफ 4D सीरीज, रोडियम है वो क्या है, 4D सीरीज का मेंबर है, वेल कोबाल्ट निकल एंड मैंगनीज आर दैट ऑफ द 3D सीरीज, इसलिए पहले किसको रखेंगे हम, 4D सीरीज वाले को। नाउ फ्रॉम द फैक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी हैव द स्प्लिटिंग पावर एज Cl- लेस देन ऑक्सलेटो लेस देन वाटर लेस देन अमोनिया। तो पहले किसको रखेंगे हम, अमोनिया को, क्योंकि उसका स्प्लिटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन निकल H2O6, क्योंकि उसका पावर थोड़ा कम है और सबसे कम है ऑक्सलेटो का। इस हिसाब से इसकी सीरीज को सेट किया हुआ है, ये सब आपकी बुक में वो करेक्ट करते जाना आप। ये आगे आएगा, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन है, वो सब में ग्रेटर देन करना है। ओके, सो ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इंक्रीजिंग की जगह पे यहाँ पे डिक्रीजिंग कर देना, ये जो इसने दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग में नहीं दिया हुआ है, डिक्रीजिंग में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग में करते हो तो PTCl4 सबसे लास्ट टू फर्स्ट, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग देखते हो तो PTCl4 लास्ट में आएगा, और इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जो सेट की है हमने सीरीज वो किसके हिसाब से की है, फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 10DQ वैल्यू। सबसे पहले स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होती है और सबसे लास्ट में किसकी होती है, इस तरह से हमने ये सेट किया है। इन रोडियम एंड अमोनिया हेक्सा अमोनिया कॉम्प्लेक्स दैट इज रोडियम RH NH3 6 4+, रोडियम हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट
एंड इन RHNH3+6+3 रोडियम हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. दस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ 10 डी क्यूब स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर मेटल इज Mn2+ लेस देन निकल लेस देन कॉपर लेस देन रोडियम लेस देन RH3+ आई मीन 4+ एन RH एंड Pt4+. सो इसके वजह हिसाब से सेट किया है. ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द फोर फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नेफ्लेजेटिक सीरीज एंड राका पैरामीटर. ओके नेफ्लेजेटिक सीरीज एंड राका पैरामीटर. The energy of the spectral state can be expressed in terms of Raka's parameter, that is inter-electronic repulsion energy B. अब ये बताना क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स होगी, आगे हम लोग टर्म्स डिसाइड करेंगे कि इसकी क्या टर्म्स होगी, टर्म सिंबल्स में पढ़ेंगे कि क्या कौन सी टर्म आती है और टर्म्स के बाद उसके स्टेट्स भी आते होंगे. तो अगर ये मैं कह दूं कि ये 3F और 3P है, 3F टर्म है और 3P टर्म है, उसके बीच का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एनर्जी है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, उसको हम बोलते हैं राका पैरामीटर. और राका पैरामीटर किससे डिनोट किया जाता है, 15B से. बी जनरली, पर यहाँ पे कितना होगा, 15B. सो द एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ राका पैरामीटर. जो ये एनर्जी है वो किससे हम डिफाइन करेंगे, राका पैरामीटर से. द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी इज द फंक्शन ऑफ राका पैरामीटर. टू स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी माने ये भी 3 है ट्रिपलेट और ये भी 3 है, तो ये क्या है, सेम मल्टीप्लिसिटी वाले टर्म है. एफ एन पी इसको टर्म बोला जाता है और ये क्या है, उसकी 3 है, वो उसकी मल्टीप्लिसिटी है. तो सेम टर्म की जो मल्टीप्लिसिटी होती है उसको हम डिफाइन करने में राका पैरामीटर का यूज करेंगे. द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द टू टर्म्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी इज 15B. इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 15B का रहता है. एनर्जी सेपरेशन का जो डिस्टेंस बोलते हैं वो 15B का रहता है. एग्जाम्पल D2, D8, D7, D3 सिस्टम. नाउ ये समझने वाली बात है. फॉर मेटल, फॉर फ्री मेटल आयन B0, फ्री मेटल आयन होता है उसको किसके हम रिप्रेजेंट करेंगे, B0 से रिप्रेजेंट करेंगे. द वैल्यू इज डिटरमाइंड फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट MCQ कि अगर फ्री मेटल आयन होता है तो उसका हम राका पैरामीटर B0 है वो किससे डिटरमाइन करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से. एंड दिस बी वैल्यू फॉर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स. और दूसरा है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के लिए. एक होता है फ्री मेटल आयन जिसको हम B0 से डिनोट करते हैं और मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, B से. द बी वैल्यू फॉर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. एक डिटरमाइन होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से और दूसरा जो होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से. मेटल आयन कॉम्प्लेक्स वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन होगा और फ्री मेटल आयन वाला है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन होगा. इन जनरल B0 इज ग्रेटर देन B, यानी कि B0 यानी कि क्या बोलते हैं उसको, फ्री मेटल आयन. फ्री मेटल आयन का राका पैरामीटर होता है वो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होता है. दैट मीन्स B0 विल बी ग्रेटर देन B. अब उसका रीजन दिया हुआ है, दिस इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये नेफ्लेजेटिक सीरीज पूछा जा सकता है. इसका जो रीजन है वो क्या है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स हैज लोअर वैल्यू ऑफ राका पैरामीटर देन फ्री मेटल आयन. एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन है कि मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है माने कि बी हैज लोअर वैल्यू ऑफ राका पैरामीटर देन फ्री मेटल आयन. ये फ्री मेटल आयन से उसका जो वैल्यू होता है वो कम होता है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स डिक्रीज इन दूँ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स हैज लोअर वैल्यू ऑफ राका पैरामीटर देन फ्री मेटल आयन बिकॉज द डिक्रीज इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर फॉर द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज नेफ्लेजेटिक इफेक्ट और क्लाउड एक्सपेंडिंग इफेक्ट एंड इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन.
ओके, इसमें सब कुछ मिक्स में दिए हुए हैं। पहले मैं समझाती हूँ कि जो फ्री मेटल आयन होता है उसका राका पैरामीटर जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है उससे ज्यादा क्यों होता है। अगर हम देखेंगे कि ये डी ऑर्बिटल्स है, कितनी होगी डी ऑर्बिटल्स? 5 डी ऑर्बिटल्स होगी। अगर हम सपोज यहाँ पे एक D3 सिस्टम लेते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए? सेम एनर्जी के हो गए, सेम एनर्जी, और उसका जो शेप होगा ऑर्बिटल का वो भी सेम होगा। इसकी वजह से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा वो ज्यादा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, ये क्या होगा? मोर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा वो ज्यादा होगा। और अगर हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोई, तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये मेटल होता है उसके 6 साइड से लिगेंड सराउंड करते हैं उसके, ठीक है। तो ये मेटल के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ डीलोकलाइज हो जाते हैं, यहाँ डीलोकलाइज हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं, ऐसे 6 साइड्स पे वो डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या होगा, उसकी जो राका पैरामीटर की वैल्यू होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रिपल्जन होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है उसकी वजह से जो राका पैरामीटर की वैल्यू आती है वो कम आती है। और जो ये इफेक्ट है उसको कहते हैं हम नेफ्लेजेटिक इफेक्ट और क्लाउड एक्सपेंडिंग इफेक्ट। समझ में आया? इसमें सब कुछ मिक्स में दिया गया है, पर आपको कैसे समझना है जैसे मैंने समझाया वैसे। एक फ्री मेटल आयन है और एक होता है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। फ्री मेटल आयन में सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होती है। यहाँ पे क्या होता है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट लेते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, और इसकी वजह से उसका रिपल्जन कम होता है। और जैसे रिपल्जन कम होगा वैसे राका पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। जितना रिपल्जन ज्यादा होगा उतना राका पैरामीटर की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। और जैसे जैसे डीलोकलाइजेशन होता जाएगा वैसे क्या होगा, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से आया? सपोज मैं बताऊँ कि आयोनिक है तो क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर माने एक बॉन्ड बनाने में क्या होता है, एक बॉन्ड देता है और एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे ये डीलोकलाइज हो जाएंगे वैसे वैसे इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते हैं। और डीलोकलाइज होते हैं माने कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसीलिए उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर की जो टेंडेंसी होगी वो भी बढ़ जाएगी। ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑन टू द लिगेंड मीन्स देयर इज इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा उतना वो कोवेलेंट कैरेक्टर अपना बढ़ा पाएगा, एंड जितना वो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएगा उतनी उसकी वैल्यू जो होगी डिक्रीज इन दी बी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि रिपल्जन कम हो जाएगा। रिपल्जन कम होगा तो क्या होगा, राका पैरामीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा। द बी वैल्यू इज जनरली अबाउट 0.6 टू 0.99 लेस देन बी जीरो, ठीक है, दैट इज फॉर फ्री मेटल आयन। अब ऑब्वियस बात है कि अगर फ्री मेटल आयन होता है तो उसका राका पैरामीटर ज्यादा है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है उसका राका पैरामीटर कम होता है। कैसे कम होता है मैं आगे बताऊंगी, पर याद रखना कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.6 टू 0.99 उसकी बीच में ही आती होगी। ओके, नाउ द नेफ्लेजेटिक रेशियो। अब बात आती है नेफ्लेजेटिक रेशियो की। नेफ्लेजेटिक रेशियो बीटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है बीटा। नेफ्लेजेटिक रेशियो इज बी अपॉन बी जीरो, इट इज द रेशियो ऑफ राका पैरामीटर ऑफ द मेटल आयन कॉम्प्लेक्स टू द मेटल आयन फ्री मेटल आयन। यानी कि ये मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का राका पैरामीटर है और ये क्या होता है, फ्री मेटल आयन का। अब हमने आगे देखा कि जो राका पैरामीटर ऑफ जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है उसका राका पैरामीटर कम होता है, किससे, फ्री मेटल आयन से। दैट मीन्स सपोज मैं यहाँ पे 2 लू, राका पैरामीटर 2 सपोज ये दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं
फ्री मेटल आयन का 5 देती हूँ, तो ये वैल्यू ऑब्वियस है कि कम ही आएगी ना। B0 फ्री मेटल आयन से तो मैं ये वैल्यू कम ही आने वाली है, इसीलिए बीटा जो नेरा का पैरामीटर है, नेफ्लेजेटिक रेशियो, वो भी क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे जो हमने देखा द बी वैल्यू विल बी जनरली अबाउट 0.6 to 0.99, इसकी वजह से नेफ्लेजेटिक रेशियो भी कम आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। द राका पैरामीटर डिक्रीजेस देन द बीटा डिक्रीजेस, यानी कि नेफ्लेजेटिक रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे राका पैरामीटर बी डिक्रीज होगा, बीटा भी डिक्रीज होगा, और जैसे बीटा डिक्रीज होगा, इंक्रीज इन द कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। देखो, अगर कोई मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रिपल्जन क्या होगा, कम हो जाएगा। रिपल्जन कम हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि बीटा जो राका पैरामीटर बी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे बी की वैल्यू कम होगी तो बीटा ऑब्वियसली कम होना है, बीटा माने कि नेफ्लेजेटिक रेशियो, वो भी कम हो जाएगा। और जितना डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा अच्छी तरह से, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। राका पैरामीटर कम होगा, बीटा भी कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ये डेफिनेशन है उसकी, वही बताया गया है पर डेफिनेशन के तरह से बताया गया है, और ये आपको याद रखना है। नेफ्लेजेटिक इफेक्ट, सीक्वेंस ऑफ लिगेंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द डिमिनिशिंग टर्म, डिस्टेंस ऑफ टर्म्स हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी और सेम और डिक्रीजिंग 15B वैल्यू। ओके, सो ये डेफिनेशन है लिगेंड्स की। सीक्वेंस ऑफ लिगेंड है जो अरेंज किए गए हैं उसके पावर ऑफ द डिमिनिशिंग टर्म। फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द राका पैरामीटर फॉर द लिगेंड, ये जो है वो सीरीज दी गई हुई है कि कैसे जो लिगेंड्स है वो राका पैरामीटर के अकॉर्डिंगली अरेंज हुए हैं। F- ग्रेटर देन H2, ग्रेटर देन यूरिया, ग्रेटर देन अमोनिया, ग्रेटर देन इथिलीन डायमाइड, ग्रेटर देन ऑक्सलेटो, ग्रेटर देन आइसोथायोसाइनेटो, ग्रेटर देन क्लोराइड, ग्रेटर देन साइनाइड, ग्रेटर देन ब्रोमाइड, ग्रेटर देन आयोडाइड। और दूसरी है वो है F- देन N, ग्रेटर देन Cl-, ग्रेटर देन Br-, ग्रेटर देन I-। अब ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर वाली है। द फर्स्ट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द डिक्रीजिंग 15B वैल्यू एंड द इंक्रीजिंग कोवेलेंसी। ठीक है, पहली वाली जो ये सीरीज है वो किसके अकॉर्डिंग दी हुई है, डिक्रीजिंग 15B वैल्यू, यानी कि डिक्रीजिंग राका पैरामीटर एंड द इंक्रीजिंग कोवेलेंसी। द सेकेंड ऑर्डर, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द नेफ्लेसेटिक सीरीज सिमिलर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ द डोनर एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसके हिसाब से ये सेट की हुई है। नाउ नेफ्लेजेटिक इफेक्ट इज अट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। नेफ्लेजेटिक इफेक्ट होती है वो किसके, इसके फैक्टर्स क्या है, उसके फैक्टर्स है रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव चार्ज ऑफ द मेटल आयन बाय द लिगेंड। जो मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगा उसका रिडक्शन होगा लिगेंड से, उसकी वजह से। और सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ मेटल ऑर्बिटल एंड द लिगेंड ऑर्बिटल, दोनों में मिक्सिंग होगा उसकी वजह से। बोथ द इफेक्ट टेंड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर ऑफ द मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, और ये दोनों की वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर और राका पैरामीटर, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, RACAH, राका पैरामीटर। और ये दोनों इफेक्ट की वजह से क्या होगा, राका पैरामीटर में डिक्रीज आएगा, यानी कि B0 डिक्रीज होगा। द मोर द रिड्यूसिंग लिगेंड, ठीक है, रिड्यूसिंग लिगेंड यानी कि जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की ज्यादा है, किसके पास है, मेटल के पास है। सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है द मोर रिड्यूसिंग लिगेंड, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना लिगेंड के पास ज्यादा ताकत होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, और जितना मेटल को देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि ले जाओ मेरे पास से, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड मोर द ऑक्सीडाइजिंग मेटल आयन एंड मोर प्रोनाउंसिंग विल बी द नेफ्लेजेटिक इफेक्ट, अगर ये दोनों हो गए तो नेफ्लेजेटिक इफेक्ट का असर ज्यादा रहेगा। ठीक है,
जितना लिगेंड के पास जितना इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने का पावर होगा, ठीक है, और जितना मेटल को देने का पावर होगा, उसके हिसाब से नेफ्लेजेटिक इफेक्ट अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि बी जीरो उसका कम हो जाएगा। बी जीरो कम हो जाएगा उसका मतलब क्या है? उसकी एनर्जी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम हो जाएगा। इसलिए दिस नेफ्लेजेटिक सीरीज डिफर फ्रॉम द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, नेफ्लेजेटिक सीरीज और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोनों अलग है, एंड मोर क्लोज टू केमिस्ट आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग पावर ऑफ द लिगेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। 3D मेटल आयंस, अब ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, 3D मेटल आयंस द इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर इज रफली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रेसिप्रोकल रेडियस ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स का जो रेडियस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? दिस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर और राका पैरामीटर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। ओके, ये इसकी कंडीशन है। द डिक्रीज इन बी वैल्यू इज एट्रिब्यूटेड टू द एक्सपेंडेड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। अब डिक्रीज इन बी वैल्यू यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो मेटल का रेडियस है, डी ऑर्बिटल का रेडियस है, वो थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। जैसे मेटल का रेडियस एक्सपांड होगा वैसे क्या होगा, बी वैल्यू उसकी डिक्रीज होगी, इसमें ये बताया हुआ है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राका पैरामीटर, और द इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कौन से, किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? मिक्सिंग ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी वो हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे अगर 3p है, 3f है, यहाँ पे 3p है और यहाँ पे 4f है, तो अगर ये टर्म्स मिक्स हो जाती है, 4 और 3 मल्टीप्लिसिटी अलग हो गई, तो उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पर होगा, राका पैरामीटर इन्फ्लुएंस होगा। फिर वेरिंग इफेक्टिव चार्ज ऑफ द मेटल आयंस, चार्ज जो होगा मेटल आयन पर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और लो फील्ड स्ट्रेंथ, लो फील्ड स्ट्रेंथ माने के जितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उसके हिसाब से भी ये इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पर इन्फ्लुएंस आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट राका पैरामीटर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग टर्म सिंबल्स एंड माइक्रोस्टेट्स। यहाँ तक का जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक पार्ट अपना पूरा हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल बी गोइंग टू स्टडी और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, पूरा डिफरेंट है, जो क्या है, टर्म सिंबल्स और माइक्रोस्टेट्स और एनर्जी स्टेट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।